नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं हिंदी साहित्य के पाठ दो कक्षा 10 का तुलसीदास जी द्वारा रचित धनुष भंग। इसमें हम सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत दोहा या प्रस्तुत चौपाई, हमारे जो तो ये दोहा है तो इसको दोहा लिखेंगे, चौपाई को चौपाई लिख देंगे। तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। फिर इसमें लिखना है प्रसंग में कि तुलसीदास जी ने इसमें धनुष भंग का वर्णन किया है। पहला कह रहा है, दोहा है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। अब इसमें कह रहा है उदित माने उदय होना, उदित माने उदय होना, और उदयगिरि माने उदयगिरि पर्वत जहाँ से सूर्य निकलता है, और मंच पर रघुवर, रघुवर मतलब प्रभु श्री राम, बाल मतलब छोटा, पतंग माने सूर्य, अर्थात उदयगिरि मंच पर मतलब जो मंच वहां पर बना हुआ था वो उदयगिरि पर्वत के समान था। तो कहना यहाँ पर रूपक अलंकार है कि उदयगिरि मंच रूपी, उदयगिरि पर्वत रूपी मंच पर प्रभु श्री राम छोटे या बाल पतंग के समान क्या होते हैं, उदित होते हैं या प्रस्तुत होते हैं या निकलते हैं। और फिर कह रहा है विकसे माने विकसित होते हैं, संत मतलब संत लोग, सरोज माने कमल सब, और कमल के समान सारे संत क्या हो जाते हैं, खिल जाते हैं, और हर्षे मतलब प्रसन्न हो जाते हैं, लोचन माने आँखें, भृंग मतलब भौरों की तरह, और उनकी क्या होती हैं, जो भौरों की तरह उनकी आँखें क्या हो जाती हैं, प्रसन्न हो जाती हैं। अर्थात उदयगिरि मंच पर, उदयगिरि पर्वत रूपी मंच पर जब प्रभु श्री राम बाल रूपी पतंग के समान उदित होते हैं या निकलते हैं या चढ़ते हैं, तो सारे संत कमल के समान विकसित हो जाते हैं और उनकी आँखें क्या हो जाती हैं, भौंरे के समान खुश हो जाती हैं। आपको व्याख्या समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा देखते हैं। कह रहा है निरपहि केर यासा निशिनासी बचन नखत अवलीन प्रकाशी। निरपन मतलब राजा, केर मतलब कि आशा, निशिनासी जो आशा और निशि मने रात, नासी मने नष्ट हो गई, जितने राजा थे उनकी जो आशा रूपी रात्र थी वो क्या हो गई, नष्ट हो गई। और बचन नखत अवलीन प्रकाशी, और बचन रूपी जो नखत था वह क्या हो गया, प्रकाशित हो गया। अब वो प्रकाशित होने वाला था, अर्थात प्रभु श्री राम जब उस पर चल रहे पहुंच रहे थे तो जितने राजा थे उनके आशाएं जो थी वो नष्ट हो गई थी, और उनके बचन जो थे वो नखत के समान क्या हो रहे थे, प्रकाशित हो रहे थे। और मानी महिप कुमुद सकुचाने, और जो मानी मतलब अहंकारी महिप माने राजा थे वो कुमुद मतलब कुमुदनी की तरह सकुचाने मतलब सिकुड़ गए, मतलब जैसे कुमुद मतलब कुमुदनी सिकुड़ जाती है, वैसे जो अहंकारी राजा थे वो सारे क्या हो गए, सिकुड़ गए। और कपटी भूप उलूक लुकाने, और जो कपटी भूप माने राजा, जो कपटी राजा थे वो उल्लू के समान छिप गए। फिर कह रहे हैं भय विशोक कोक मुनि देवा बरसहि सुमन जना वही सेवा। भय माने हो गए, विशोक माने दुखी, कोक मुनि देवा मुनि देव लोग सब क्या हो गए, दुखी हो गए, और बरसहि नहीं, विशोक मतलब होगा प्रसन्न होना, शोक माने प्रसन्न होना,
ओ सॉरी, शोक मतलब दुख, अभिशोक माने प्रसन्न होना। सारे मुनि देव क्या हो गए, प्रसन्न हो गए और बरसें सुमन जनावें सेवा, और बरसें मतलब बरसाने लगे, सुमन माने फूल और जनावें मतलब जनाने लगे सेवा, और अपनी सेवा फूल बरसा करके जनाने लगे। और गुर पद पंद सहित अनुरागा, राम मुनि ने सन्यास मांगा, और गुरु के चरणों की वंदना के सहित प्रेम अनुराग मतलब प्रेम पा करके राम प्रभु श्री राम मुनि मतलब मुनि हो के सन आयुष मांगा, और राम मुनि से अपना आशीर्वाद मांगते हैं और चल देते हैं। फिर कह रहा है सहज ही चले जगत सकल जगत स्वामी, सहज मतलब सरलता से, चले मतलब चलते हैं, सकल मतलब संपूर्ण जग माने संसार, स्वामी मतलब ईश्वर, सारे संपूर्ण संसार के स्वामी प्रभु श्री राम बहुत सरलता से चलते हैं। और मत मंजवर कुंजरगामी, जैसे कोई मत मौला मंजमानी होता है प्रसन्नता से, बर कुंजरगामी जैसे कोई हाथी क्या होता है प्रसन्नता से चल देता है, वैसे प्रभु श्री राम चलते हैं। और चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूर तन भय सुखारी, और राम के चलते ही जितने पुर मतलब अयोध्या नर नारी, जितने भी अयोध्या के नर नारी थे, पुलक पूर तन भय सुखारी, खुशी से उनके जो शरीर थे वो पुलकित हो जाते हैं और उनको सुख प्रदान करते हैं। और बंद पितर सुर सुकृत संभारे, जो कच पुण्य प्रभु हमारे, और सारे लोग कहते हैं कि हे प्रभु जो कुछ भी मेरा पुण्य प्रभाव हो, मतलब बंद पितर सुर सुकृत संभारे, बंद मतलब वंदना करते हैं, पितर मतलब पितरों की या पूर्वजों की, सुर माने देवताओं की, सुकृत मतलब अपने सुंदर कार्यों की, संभारे कहते हैं हे, वंदना करते हुए कहते हैं हे प्रभु, हे देवता, हे पितर, अगर मेरे कुछ भी सुंदर कार्य हैं तो तुम उसका प्रभाव हमें दे दो, उसका पुण्य का प्रभाव मुझे दे दो। और तो शिवधन मृणाल की नाई, तो रह राम गणेश गोसाई, और शिवधन जो शिव की धनुष है उसकी जो मृणाल है, मतलब मृणाल मतलब होता है कमल, जो कमल की नाई मतलब जो नलिका होती है उसके समान कर दो, अर्थात शिव धनुष को कमल की नलिका के समान कर दो, और तो रह राम गणेश गोसाई, और उसे प्रभु श्री राम क्या कर दे, तोड़ दे। तो इसमें कहते हैं मतलब कि जितने राजा होते हैं, जब राम प्रभु श्री राम चलते हैं मंच पर, तो जितने राजा होते हैं उनकी जो आशा रूपी क्या होती है, किरण होती है, वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और वचन नखत अवलीन प्रकाशी, और जितने नखत जो होते हैं, वचन रूपी नखत होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, अवलीन मतलब विलुप्त होकर के प्रकाश आ जाता है। और मानी मही कुमुद सब जाने, और सारे जो अभिमानी देवता होते हैं वो कुमुद की तरह सिकुड़ जाते हैं, और कपटी राजा उल्लू के समान छिप जाते हैं। और जितने भी मुनि देव होते हैं वो यह सब देख करके प्रसन्न हो जाते हैं और उनके सेवा जनाते हुए फूलों की वर्षा करने लगते हैं। फिर प्रभु श्री राम अपने गुरुओं के पैरों की वंदना कर करके प्रेम और आशीर्वाद लेकर के चल देते हैं, और बहुत संपूर्ण जगत के स्वामी प्रभु श्री राम बहुत सहजता से चलते हैं, जैसे कोई मतमौला हाथी चल देता है। चलत राम सपुर नरारी, और प्रभु श्री राम के चलते अयोध्या के समस्त नर नारी के क्या हो जाते हैं, जो शरीर हैं वो यह देख कर करके पुलकित हो करके उनको सुख प्रदान करते हैं, और सभी नर नारी अपने पितरों और सुर मतलब देवताओं की और अपने सुंदर कार्यों की याद करते हुए वंदना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु जो कुछ भी मेरे पुण्य प्रभाव हो तो मुझे श्री राम को दे देना, और वो जो शिवधनुष है उसे कमल की नाई के समान कर देना, और उसे प्रभु श्री राम तोड़ दे। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला जो होगा दोहा, फिर चौपाई, फिर बताएंगे। पहला वाला दोहा था, ये चौपाई थी। और इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ढेर सारे मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।